बद्दी में भीषण गर्मी, साथ में है चुनाव। अब हुई शुरू बरसात, लेकिन बद्दी पुलिस के जवान आम आदमी के साथ दिन रात ड्यूटी कर रहे। बद्दी पुलिस के जवान, ताकि आप न हो परेशान, एएसपी अशोक वर्मा ने कहा। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को नहीं आने देंगे आज। बद्दी में ट्रैफिक पुलिस के जवान होमगार्ड के साथ सड़कों पर डटे हैं अधिकारी। बद्दी में पहली बारिश में भी ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल कर रहे अधिकारी, एएसपी अशोक वर्मा बोले। सड़क पर व्यवस्था बनी रही, इसके लिए ये पुलिसकर्मी जी जान है जुटे। बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल में इस साल रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी के साथ अब बारिश भी अपना रूप दिखा रही है। आलम यह है कि बद्दी में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन अब उसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तपती और चिलचिलाती धूप के साथ बारिश के दौर में सड़कों पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। बद्दी में पिछले साल से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जिसके चलते बारिश में अब सड़कों के किनारे और सड़कों के बीच पानी का आलम तालाब की तरह हो चुका है। लेकिन हर चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड मुख्य रूप से लोगों को बारिश से निकल भी रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। बदलते मौसम के बीच भीषण बढ़ती गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अब लगता है कि बारिश भी रिकॉर्ड बद्दी में तोड़ेगी। पहली बारिश में ही बद्दी के आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है, जिससे बद्दी पुलिस के ड्यूटी करने वाले होमगार्ड और पुलिस फोर्स के लिए भी काफी चुनौती बढ़ गई है। ताकि आप न हो परेशान, पिछले दो दिनों से बद्दी पुलिस के अफसर और जवान सड़कों पर। बता दें कि बद्दी में इंडस्ट्री एरिया होने के कारण सड़कों पर चौपहिया वाहनों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हर साल बढ़ती है, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करना और ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करना ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती है। इसी बीच बढ़ते वाहनों की संख्या के साथ ही ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की चुनौती भी अब ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवानों के लिए बड़ी समस्या का रूप धारण करने लगा है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सड़कों के किनारे खड़े पुलिसकर्मी अपने काम को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आवागम करने वाले लोगों को जाम में न फंसना पड़े। बद्दी पुलिस के जवानों की धूप, बारिश, सभी मौसम की हुई आदत। मीडिया से बात करते हुए एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने कहा, ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे कर्मचारियों और हम जैसे बड़े अधिकारियों का सबसे पहले कर्तव्यों का पालन करना पहला फर्ज है। अशोक वर्मा ने कहा कि हमारी और हमारे जवानों की कोशिश रहती है कि जाम न लगे, औद्योगिक क्षेत्र की व्यवस्था ना बिगड़े, जिसके लिए हमें दिन रात यातायात सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना पड़ता है। दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे कर्मचारियों ने कहा, अधिकारियों के निर्देश और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना हमारा सौभाग्य है, साथ में उन्हें वर्दी पहनने को मिली है। जनता की समस्याओं को देखते हुए उन्हें गर्मी, बारिश, सर्दी अब महसूस नहीं होती है। उन्होंने कहा, गर्मी, सर्दी, बारिश ही नहीं बल्कि हर तरह के मौसम में हमें काम करना पड़ता है और अब हमें इसकी आदत हो गई है।
कांग्रेस आ पाएगी। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और पिछले कल से थोड़ा सा यातायात पर भी प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस जो ग्राउंड पे अच्छा काम कर रही है उसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। ये जो फोर लेन का काम चला है बद्दी में, जिसकी वजह से जो है हमारे छोटे वाहनों और बड़े वाहनों की काफ़ी आमदोरफ्त है, और जिस वजह से जो है कई बार बीच में जाम लग जाता है, और कहीं भी जो सड़क है वो सिंगल है इस करके भी जाम लग रहा है, और कई बार जो है बीच में वाहन ख़राब हो जाते हैं। तो हम पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, हमारे होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और जो है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर, नेशनल हाईवे वाले अधिकारियों से कोई मुलाकात, जैसे बद्दी से लेकर नालागढ़ तक काफ़ी सिचुएशन अभी भी ख़राब है, तो उस पर अभी बरसात में कैसे पुलिस? हमने नेशनल हाईवे के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे संपर्क किया है, और उन्होंने भी कल हाइड्रास भेजे हैं और जो है बड़ी बड़ी मशीनें भेजी हैं ताकि जो है वो रोड सुचारू रूप से चलता रहे, और जहाँ भी पानी की निकासी की जगह पानी भी इकट्ठा हो रहा है इसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी हाइड्रा लगा के जो है पानी की निकासी उनसे करवाई जा रही है, और जो हमारा इस ट्रैफिक के संचालन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल जो तबाही हुई थी बद्दी में, काफ़ी पुल बैठ गए थे जिससे यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ था, अभी जो बड़े बड़े पुल हैं वो तो बना दे, लेकिन बीच में जो छोटे पुल हैं अगर इन केस बरसात में ये गिर जाते हैं तो पुलिस कैसे इसको मैनेज करेगी? देखिए, इसमें जो बड़ा पुल है बद्दी का वो तो बन चुका है और उसके ऊपर से ट्रैफिक जो है आ जा रही है। जहाँ तक छोटी जगहों की समस्या है वहाँ पर हम साइड से जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलकर जो है साइड से रोड निकालेंगे और उन रोड से जो है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाएंगे।